वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल के ऊपर, कैसे आप अपना एक बिजनेस ईमेल को जनरेट कर सकते हैं। कोई ब्लू होस्ट पर आपके, अगर आप ब्लू होस्ट होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये, जिसमें आप वहाँ से वेब मेल को आप कैसे आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस वेब मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने जीमेल के ऊपर, कि जो भी आपके वेब मेल में मेल्स हैं वो आपके सीधा जीमेल अकाउंट पे आपको बता दे कि आपके ईमेल्स आ रहे हैं, आप वहीं पढ़ सकते हैं, वहीं से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। आज ये पूरी कंप्लीट वीडियो है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। यहाँ से मैंने अपना ब्लूहोस्ट ओपन कर लिया है, और अगर जिसने नहीं ओपन किया मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से ईमेल एंड ऑफिस पे, और यहाँ से आप सी पैनल पे भी जा सकते हैं, हमने एडवांस पे क्लिक करके वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है आज ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सारे ईमेल्स आ जाते हैं, तो आपको किसी का भी ईमेल क्रिएट करना है तो आप सी पैनल से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ईमेल एंड ऑफिस में भी जाके यहाँ से मैनेज करेंगे तो आप डायरेक्टली सी पैनल में पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स आ जाता है। ईमेल अकाउंट्स के अंदर आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल्स लॉग इन कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट पर, जो आपके राइट साइड में है उसे मैं क्लिक करने वाला हूँ, अब अगर आप देख सकते हैं जिसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डोमेन है उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम दे देना, जिस यूज़र नेम के लिए आपको चाहिए और जिसके लिए आप लॉगिन करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया info@thewinningedge.net, और यहाँ पे आप इसको पासवर्ड देना है आपको, जिससे आप इसको लॉगिन कर सकें। तो हमने ईमेल आईडी के लिए एक यूज़र नेम दे दिया और उसके लिए एक पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आपको इसको, आप चाहे तो इसको एडिट सेटिंग करके इसको ब्रांड विड्थ दे सकते हैं, कितनी स्पेस उसको देनी है आप लोकेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जैसे कि मैंने क्रिएट किया तो मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो मुझे अब दे रहा है कि ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो दूसरा नेम देके भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका ईमेल रेडी हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट करूँगा तो ये दिखाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ और नेम देता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर दिखा रहा है क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, और ये क्रिएट हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना डोमेन नेम डालना है और स्लैश वेब मेल लिखते ही आपको अपने वेब ले जा लेगा उस पर, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दे रहा है crm@thewinningedge.net। और ऐसे ही मैंने, आप कोई भी ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।